नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि सिन्हा और आप देख रहे हैं प्रतिभा एटूचेट। फ्रेंड्स, गर्मी का मौसम आ गया है, ऐसे में शरीर को ठंडक देने के लिए तरबूज एक अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि तरबूज केवल गर्मी से ही राहत देता है और इसका सेवन किसी भी समय कर लेना चाहिए, तो ये सही नहीं है। ये गर्मी से राहत देने के साथ ही हमारी सेहत के लिए भी कई तरह के फायदे दे जाता है। तरबूज में मौजूद पोटेशियम, राइबोफ्लेविन, आयरन, कैल्शियम, जिंक, फाइबर, नियासिन, आयरन, विटामिन ए, सी, बी और लाइकोपीन जैसे कई पोषक तत्व होते हैं, जो हमारी सेहत को दुरुस्त रखने का काम करते हैं। ये शरीर को किस तरह से फ़ायदा पहुंचाते हैं और इसके खाने का सही समय क्या है, आइए जानते हैं। तरबूज के सेवन से या इसका जूस पीने से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को बनने से रोका जा सकता है, जो हार्ट प्रॉब्लम के लिए सबसे बड़ी वजह बनता है। तरबूज में फाइबर की और पानी की मात्रा काफ़ी होती है। ये दोनों ही चीज़ें पाचन क्रिया को सही रखने में सहायक होती हैं। इसके सेवन से पाचन क्रिया सही तरीके से काम करती है और कब्ज, डायरिया व गैस जैसी दिक्कतों से निजात मिलता है। तरबूज का सेवन वजन घटाने में काफ़ी सहायक होता है। इसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है और फाइबर की मात्रा काफ़ी होती है। इससे पेट जल्दी भर जाता है, जिससे कुछ और खाने का मन नहीं करता। इसमें पानी भी काफ़ी मात्रा में होता है, जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है, साथ ही शरीर को डिहाइड्रेट भी नहीं होने देता। तरबूज के सेवन से इम्यूनिटी मजबूत होती है। इसमें मौजूद विटामिन सी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करता है, साथ ही इसमें मौजूद फाइबर आंतों को सही रखता है और विटामिन ए इम्यून सिस्टम को इन्फेक्शन से बचाता है, साथ ही मांसपेशियों के दर्द से भी राहत मिलती है। इसमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स और एमिनो एसिड साइट्रोलाइन मसल पेन को दूर करने में सहायता करता है। तरबूज खाने से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। इसमें मौजूद साइट्रोलाइन नाम का एमिनो एसिड ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है, साथ ही इसमें पोटेशियम भी होता है, जो एक्सरसाइज के दौरान ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अब जानते हैं कि तरबूज को कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए। तरबूज को कभी भी रात के समय नहीं खाना चाहिए, वैसे इसको दिन में कभी भी खाया जा सकता है, लेकिन इसके सेवन का सही समय दोपहर का है। खास बात यह है कि इसको खाने के बाद पानी, दूध, लस्सी और कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, तरबूज के गुणों को जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।